चलो सबसे पहले तो चंदन ने जो दो क्वेश्चन पूछा है वो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। आई थिंक सभी लोग ध्यान दो, आप लोग को भी शायद इसमें डाउट आया रहेगा। तो चंदन ने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ ऐसा था, ये हैश क्यों, ये ऐसे क्यों दिया बीच में? ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपका स्टेटमेंट है और कंक्लूजन में और आपको ये, उसमें हाँ सर उसमें क्रॉस लाइन पे हाँ वही वही मैं देख रहा हूँ एक्चुअली। क्रॉस लाइन क्या है वो? क्रॉस लाइन एक्चुअली कभी मैंने देखा नहीं आज तक। क्रॉस लाइन को वही मैंने, मैंने भी इसके लिए क्रॉस कंफ्यूज हो लाइन, गया। क्रॉस लाइन होता नहीं है। नहीं, ये वो क्रॉस लाइन को इग्नोर करो, वो थोड़ा सा लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो क्रॉस तो ऐसे नहीं होता, ऐसे तो कभी नहीं होता, मैंने तो आज तक ऐसे देखा नहीं इसको, ऐसे तो ये कुछ नहीं होता। तो आप इसको इग्नोर करो, अगर इसको इग्नोर करके आंसर निकालोगे तो आई थिंक फिर आंसर मिल जाएगा ना आपको। क्या आएगा इसका हाँ आंसर वैसे? वही फर्स्ट वाला राइट है कि रॉन्ग है? चलो चलो बाकी लोग भी बोल सकते हैं। रॉन्ग है। फर्स्ट वाला रॉन्ग है क्योंकि वाई जो है वो यहां से पास ही नहीं हो रहा है। वो वाई टी तक गया, टी एस के पास नहीं जा पा रहा है, तो फिर वो पास ही नहीं हो पा रहा है। चलो, और सेकंड राइट है। हाँ सेकेंड वाला राइट है पक्का? ठीक सर एकदम सेफ, ठीक है। और थर्ड वाला? कंफ्यूजन है सर कि ये भी कंफ्यूजन है। हाँ इधर, हाँ इधर ये इक्वल्स टू कि दोनों एक तरफ है और हाँ, ओ तो ओ टू जी जाना है विद इक्वल्स टू, तो ओ टू एच चला गया, मैं एच टू जी चला गया, और दोनों भी डोर में इक्वल्स टू का साइन है क्या? हाँ इसलिए ये राइट है क्योंकि ओके दोनों भी डोर में आपका इक्वल्स टू तो आ गया ना, तो इसलिए वो राइट हो जाता है फिर। ओके ठीक है, और वो एक परसेंटेज का था सर, परसेंटेज का उसमें था आपका? परसेंटेज दिए। हाँ उसमें ना परसेंटेज भी दिया है, देखो। अच्छा, हाँ वो दूसरा वाला ना, हाँ मैं देख रहा हूँ देख रहा हूँ। हाँ तो आई थिंक ये क्लियर करता हूँ। और दूसरा वाला जो डाउट है वो क्या था? अच्छा रन, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है कि जी से आपको एम जाना है, अगर आपको जी से एम जाना है तो आपका परसेंटेज की जगह पे क्या साइन होना चाहिए? एक्चुअली उन्होंने ये पूछा है, ठीक है ना? आप वो क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, आप लोग है ना ये सारे जो डाउट मिलते हैं ना वो आप ये जो अपना 14 वाला जो ग्रुप है ना पर्सनल वाला जिसमें हम 5 लोग हैं, उस पे आप लोग डालते जाओ ताकि दूसरे लोगों को भी पता चलते जाए कि मतलब डाउट में क्या क्या चीजें आ रही है। ठीक है, हाँ। ऐसा और होमवर्क भी है ना सभी लोग अभी ग्रुप पे ही डालते जाओ ताकि बाकी लोगों को भी समझ में आए कि किसने किसने होमवर्क किया। वैसे तो सभी लोगों ने कल होमवर्क किया, ठीक है, आई थिंक कोई मिस तो नहीं हुआ है। तो जी टू एम जाना है, आपको जी यहाँ पे दिख रहा है, एम यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या साइन आएगा इस जगह पे? अगर मुझे जी टू एम जाना है तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा? दादी आप जरा अपना वॉइस इसे कम कर लो ना, म्यूट मत करो, कम कर लो थोड़ा, 50% पे कर दो, क्योंकि वो ना खरखर खरखर आपके इधर से ना पता नहीं डिस्टरबेंस क्यों आता है, तो 50% पे कर लो तो भी चलेगा। चलो बोलो बोलो, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा?
ऑप्शंस में आपके पास ये सारी चीजें जी हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा राइट? लास्ट वाला लास्ट वाला, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको यहां से यहां जाना है, 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 और इन तीनों के पास इक्वल्स टू साइन है, तो अब आपका इक्वल्स टू तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इक्वल्स टू बन जाएगा तो वो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है? और मुझे तो ये वाला चाहिए, तो इसीलिए ये वाला जो साइन है, जो लास्ट वाला साइन है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलो ओके, ठीक है। अच्छा, इन इक्वालिटी के बाकी सारे क्वेश्चंस वहां से तो मैंने दिया था, लेवल वन और लेवल टू दोनों हुआ रहेगा सबका, फिर तो फोर वाला है ना, टाइप फोर वाला, टाइप फोर इसका वाला, एक दो एग्जांपल दे दो ना। इसका एक दो एग्जांपल। हाँ ओके, समझ लो। आइदर और, आइदर और वाला बोल रहे थे ना? हाँ चलो, आइदर और वाला का एग्जांपल। चलो ठीक है, टेक्स्ट बुक वाले ऐप में तो लेवल वन लेवल टू है, तो आइदर वाला नहीं। चलो ओके, चलो ये पहला एग्जाम्पल है। चलो दूसरा एग्जाम्पल है। चलो ये तीसरा एग्जांपल है। और ये एक लास्ट एग्जांपल हो गया। चलो चार एग्जाम्पल मैंने दिए, अब चारों को जरा पहले तो सॉल्व कर लो, ताकि आइदर और वाला जो केस है, आइदर और वाला केस है, अब आई थिंक आपके दिमाग में इस चीज का डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर ये पांचों सॉल्व कर लो, चारों सॉल्व कर लो। चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? दोनों दोनों चार दोनों रॉन्ग। रॉन्ग है, बट आंसर क्या बोलोगे आप? तो वो द आइदर और ना, आइदर और हाँ या तो फर्स्ट ये या और तो वो, सेकंड। या तो ये या तो वो, हिंदी में आपका वैसा हो जाएगा वो, ठीक है? और हुँ. आइदर और क्यों आ रहा है? क्योंकि तो तीन जो रूल्स है आइदर और के, तीन रूल्स याद है सभी को? जरा मुझे बताना, फर्स्ट वाला रूल क्या बोलता है? दोनों टर्म सेम होने चाहिए, दोनों टर्म सेम होने इक्वल्स चाहिए, जैसे ए डी है तो ए डी ही इक्वल्स होना चाहिए। हाँ, दूसरा वाला। इक्वल्स टू हाँ
चाहिए, सारे तीनों सिंबल्स कवर कवर होने चाहिए, जैसे तीनों सिंबल होने कवर होने चाहिए, चाहिए। और एक लास्ट वाला रूल क्या बोलता है? दोनों दोनों भी गलत मतलब रॉन्ग होने वही चाहिए। रॉन्ग होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आपका आइदर और बन जाएगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, इसीलिए आपका ये नाइदर नॉर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों भी रॉन्ग है तो अब आप फिर क्या चेक करते हो कि बाकी के दो कंडीशन राइट है या नहीं। दोनों में टर्म सेम है, एडी है और एडी है, और दोनों में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू के तीनों भी सिंबल यूज हो रहे, तो ये आइदर और का केस आपका बन जाएगा, आइदर और आपका ये राइट हो जाएगा। ठीक है, बट मैंने आपको कुछ बताया था कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है, राइट है? सब याद है सबको, एक्सेप्शन भी होते हैं। तो जैसे एक्सेप्शन के नाम पे, जो अगर फर्स्ट वाले रूल का मैं अगर एक्सेप्शन लू तो दोनों के टर्म सेम, देखो यहाँ पर नहीं है, एमपी है और एमक्यू है। तो देखो ये पहली बात तो दोनों भी रॉन्ग है, आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर लेना, दोनों भी कंक्लूजन तो पहली बात तो रॉन्ग है। और एमपी है और एमक्यू है, देखो एम और पी, एम और क्यू, तो ये आइदर और बनेगा क्या? बनेगा ना सर कि वो इक्वल्स टू है ना दोनों हाँ पी और क्यू। राइट है, क्योंकि एम जो है वो तो ठीक है, एम तो आपने सेम लिखा है, बट यहाँ पे पी है यहाँ पे क्यू है। अब दोनों में से आप किसी को भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पी और क्यू जो है एक दूसरे के बराबर है, पी और क्यू जो है वो एक दूसरे के बराबर है, तो बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने यहाँ पर पी लिखा है या क्यू लिखा है, इसलिए आइदर और केस बन जाता है। और साइन तो तीनों भी कवर हो गए, बट थर्ड वाले क्वेश्चन में साइन तीनों भी कवर नहीं हुए हैं यहाँ पे, अच्छा और ये फिलहाल तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, आप चाहिए तो चेक कर लेना, दोनों कंक्लूजन अभी भी रॉन्ग है, दोनों के टर्म सेम है, बट दोनों में सारे फॉर्मूला, सॉरी सारे क्या बोलते हैं, सिंबल्स कवर नहीं हुए, फिर भी ये आइदर और है, क्योंकि सर एक्स से जब मैं डब्लू जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो या तो एक्स जो है डब्लू से बड़ा होगा, क्योंकि किधर भी स्मॉलर देन वाला सिंबल यूज ही नहीं हुआ है, या फिर एक्स जो है वो डब्लू के बराबर होगा, क्योंकि तो तीनों भी डोर में इक्वल टू साइन जो है वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सर मुझे इस वाले केस में एक्स स्मॉलर देन डब्लू का सिंबल की मुझे कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई जरूरत नहीं है तो बाकी सारे फॉर्मूला, बाकी सारे रूल जो है सेट हो गए, तो आइदर और का केस ये बन जाएगा। ठीक है, और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसमें रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 दोनों का एक्सेप्शन आया है। दोनों का एक्सेप्शन कैसे? यहां पर ए और डी है, पर यहां पर ए और क्या है आपका, सी है। तो यहां पर सी आने की वजह से क्या हुआ, सी और डी दोनों अलग अलग है, बट सी बोलो या डी बोलो दोनों एक ही बात है, इसीलिए फर्स्ट वाले रूल का ये एक्सेप्शन बन गया। और सेकेंड वाले रूल में यहाँ पर तीनों भी सिंबल्स कवर नहीं हुए, बट अगर मैं ए से डी के पास जाने की कोशिश करता हूँ या ए से सी के पास जाने की कोशिश करता हूँ तो वो एक ही बात है, सॉरी एक ही बात नहीं, मतलब ए से सी या डी जो है ग्रेटर हो सकता है या तो इक्वल्स टू हो सकता है, इसीलिए ये भी आपका आइदर और केस लग जाएगा। तो ये तीनों रूल सेट है इसमें, इसमें फर्स्ट रूल एक्सेप्शन है, इसमें सेकेंड रूल एक्सेप्शन है, और इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों भी रूल एक्सेप्शन है। तो आई थिंक मैंने चार एग्जांपल परफेक्ट एकदम लिए। ठीक है, अब कभी भी अगर आपको आइदर और का कुछ भी चीज रहेगा तो ये आप चार एग्जांपल जो है परफेक्टली देख सकते हो, चारों एग्जांपल को परफेक्टली मैच करके देख सकते हो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, क्लियर है निखिल? हाँ सर। ओके चल, तो अभी एक काम करो, सब लोग अपने टेस्ट बुक का लेवल 2, सॉरी कोड कोडेड इनइक्वालिटी का निकाल लो, जिसमें 13 क्वेश्चंस है। कोडेड इनइक्वालिटी निकाल लो जरा, उसमें 13 क्वेश्चन है, पहले हम लोग वो सॉल्व कर लेंगे। और वो थोड़ा सा अलग है, आई थिंक बाकी सारी चीजें आप लोगों ने सॉल्व कर ले, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इसको मैं क्लियर करता हूँ। चलो, कोडेड इनइक्वालिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहली बात तो ये कि ये बैंकिंग के अलावा किसी भी एग्जाम में आता नहीं है।
एमबीए में देखने के लिए मिल सकता है बट चांसेस कम है, एमबीए में देखने के लिए मिल सकता है बट चांसेस कम है, बट ये रेलवे में बिल्कुल भी नहीं आता ना एसएससी, मतलब दूसरे किसी एग्जाम में कोडेड इनइक्वालिटी नहीं आता, बट फिर भी हम लोग देख लेंगे। अब जैसे आप लोग क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो, लेवल क्या बोल रहे हो, जो आप लोगों ने इनइक्वालिटी में सॉल्व किया ना वन मिसलेनियस, या लेवल मिसलेनियस के देखो ऊपर कोडेड इनइक्वालिटी लिखा होगा, आज करते हैं। हाँ वो ओपन कर लो जिसमें 13 क्वेश्चन है। तो फिर इसमें जनरली क्या होता है ना कि चीजें आपको सिंबल डायरेक्टली मेंशन नहीं की जाती है, ठीक है ना, आपको सिंबल जो है वो डायरेक्टली कभी भी मेंशन नहीं किया जाता, आपको इनडायरेक्टली चीजों को बताया जाता है कि ये ऐसा है ये वैसा है। अब जैसे उस क्वेश्चन के अंदर ये 5 सिंबल यूज हुए हैं, 5 सिंबल जो है यूज हुए, और पांचों का अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है। जैसे ये एट द रेट का मीनिंग क्या है, उन्होंने क्या बोला है, कोई रीड करके बताएगा मुझे? एक्स वाई से छोटा है, छोटा एक्स नहीं है। वाई से छोटा नहीं है, मतलब एक्स वाई से या तो बड़ा होगा, एक्स वाई से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, है ना, एक्स वाई से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। फिर ये डॉलर का मतलब क्या है, ना छोटा ना बड़ा, तो क्या बचा, ना छोटा ना बड़ा बराबर। तो क्या बचा, एक्स जो है बराबर है वाई के, और ये जो है वाई का मतलब आइदर स्मॉल और इक्वल्स टू। अब आइदर स्मॉल और इक्वल्स टू का मतलब या तो छोटा है या तो बराबर है, आइदर स्मॉल या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। फिर नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल्स टू मतलब छोटा भी नहीं है बराबर भी नहीं है, दैट मीन्स वो बड़ा ही होगा एक्स, और लास्ट वाला एक ही सिंबल बचा है, एक्स जो है वो वाई से छोटा है, ठीक है। तो देखो ये पांचों की जो सिंबल की मीनिंग है ना, बैंकिंग और एमबीए में जरूर आता है, तो ध्यान देना, पांचों सिंबल के जो मीनिंग है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से इनडायरेक्टली दिए गए। आपको ये चीज थोड़ा पहली बात तो अपने बुक में हमेशा नोट कर लेना होगा कि इसका मीनिंग आपको किस तरीके से मेंशन किया गया। उसके बाद क्वेश्चन में आपको डेटा इस तरीके से कुछ प्रोवाइड किया गया। अब आपको देखने की जरूरत थी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये है आपका क्वेश्चन, और कंक्लूजन में आपको कुछ ना कुछ जो है पूछा गया है, तो कंक्लूजन में ये सारी चीजें जो है वो आपको पूछी गई है। अब आपको आंसर थोड़ा सा केयरफुल होकर देना है। चलो अगर मैं आपसे आंसर पूछूं, तो अब देखो मैं यहाँ पर मैं सिंबल को सॉरी ये वाले जो सिंबल्स अपने ओरिजिनल इनइक्वालिटी वाले, अब इसको मैं यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, और बस मैं आपसे पूछूंगा कि थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि ये डॉलर का मतलब आप जानते हो कि एक्स जो है बराबर है वाई के, मतलब ओ वाई के बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा आप एज्यूम कर लो ओ जो है वाई के बराबर होना चाहिए, पी के बराबर होना चाहिए, तो क्या ये राइट है या रॉन्ग है? पी हाँ पी 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 वही, ओ जो है वाई के बराबर, ओ जो है पी के बराबर है, तो क्या ये राइट है? तो थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है, पी तो यहाँ पे भी है पर ये पी यूज नहीं होगा क्योंकि ओ से आप एम जाओगे, एम से आप पी जाओगे, तो जरा चेक करके बताना कि ये राइट है कि रॉन्ग है। रॉन्ग है सर। रॉन्ग है क्योंकि देखो ये वाला सिंबल है ना यहाँ पे, ये वाला, तो ये तो वैसे भी आप जानते हो कि इक्वल्स टू होने के लिए सभी का साइन इक्वल्स टू होना जरूरी है। अब देखो बैंकिंग वाले जो है एमबीए वाले, मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना होता है, इसीलिए आप कभी भी ये सिंबल को लिखते नहीं हो, लिखोगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा। चलो ओ एट द रेट पी, अब इसका मुझे जरा बताना, ओ एट द रेट पी, सॉरी सॉरी एम एट द रेट पी, एट द रेट का मतलब है कि बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, वो उसकी तरह एम टू पी जाना है विथ इक्वल्स। एम टू पी जाना है विथ इक्वल्स टू साइन,
कैसे जाओगे? आपको एम टू पी जाना है इक्वल्स टू साइन, ये तो ऑलरेडी एम टू पी यहाँ पर आपको दिख ही रहा है ना, तो क्या ये राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है ना क्लियर रॉन्ग है ना, क्योंकि डॉलर का मतलब हाँ होता है इक्वल्स टू साइन इक्वल्स टू और आपको दूसरा साइन चाहिए, सॉरी, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया क्लियर कट, क्योंकि आपको ये वाला साइन चाहिए था ना, ये वाला साइन तो एक्चुअली है नहीं इसमें। और ये परसेंटेज का क्या, चलो आप मुझे बताओ परसेंटेज का आंसर राइट है या रॉन्ग है? ओ से पी जाना है, फिर से ओ से एम, एम से पी, सॉरी, जा सकता हूं मैं? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है, क्योंकि ओ से एम यहीं पर नहीं जा पा रहा हूं मैं, क्योंकि ये वाला जो साइन है वो जाना ऐसा वाला साइन है, ओ से पी मैं यहीं पे नहीं जा पा रहा, इसलिए बात खत्म। क्या इसमें आइदर और केस बनेगा? क्या आइदर और केस बनेगा, जरा चेक करके बताना, ध्यान से आप, हाँ रश बनेगा सर। ध्यान से, ध्यान से, ऐसे रश मत करो, सारे कंडीशन चेक करो। बनेगा बनेगा क्या मिट गया यहाँ पे? नहीं बनेगा इसमें कोई भी आइदर और केस नहीं बनेगा, क्योंकि देखो इन दोनों के टर्म भले सेम है, इन दोनों के टर्म भले सेम है, दोनों भी कंक्लूजन रॉन्ग है, बट सिंबल्स देखो कवर नहीं होते। ये डॉलर जो बताता है वो आपको इक्वल्स टू के बारे में बताता है, परसेंटेज जो बताता है आपको ऐसे बारे में बताता है, बट यहाँ पर जो ये वाला साइन है, क्योंकि आपको ओ से एम जाना है, एम से पी जाना है, ओ से जब आप एम जाओगे तो आपको ये वाला साइन देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि इसमें ये वाला साइन भी होना चाहिए था तब जाके ये इधर और बनता, ठीक है? क्योंकि ओ टू जब आप एम जा रहे हो तो वो ऐसा उल्टा साइन दिया है ना, तो इसमें एक साइन जो है मिसिंग है, ये वाला साइन मिसिंग है, तो इसीलिए वो आइदर और केस नहीं बनेगा। क्योंकि तो अगर आप क्वेश्चन को पूरी तरीके से देखो तो ये वाला जो चीज है वो ऐसे दिखेगा आपको, और एम से पी जो है वो डॉलर में आपको ऐसे दिखेगा, तो या तो ये देखो ऐसा होना चाहिए था, या तो ऐसा होना चाहिए था तब यह आइदर और केस बन जाता, तभी आइदर और वाला केस जो है वो परफेक्टली बच जाता, क्योंकि पी टू ओ जा सकता है, पी टू एम इक्वल शू नहीं हो सकता, ओके तो भी आइदर और नहीं बने, क्योंकि इक्वल शू नहीं हो सकता इसमें, ठीक है? चलो सेकेंड वाले पे आते हैं, सेकेंड वाले पे आते हैं। अब सेकेंड वाले में फिर से कुछ डेटा अलग अलग दिया है, तो पहले मैं फटाफट जो है क्या कर लेंगे हम लोग, इसका सिंबल्स लिख लेंगे। आपको सेकेंड वाले क्वेश्चन में स्टार है, हैश है, परसेंटेज है, एंड है और डॉलर है। चलो सबको समझ में आ रहा है पांचों सिंबल? चलो अभी जरा क्विकली मुझे इन सब के सिंबल्स लिखकर बताओ। तो चलो इन सब के सिंबल जरा लिखकर बताओ क्या क्या आएगा। स्टार जो है नाइदर लेस है नॉर ग्रेटर है, इसका मतलब क्या आना चाहिए आपने? चलो चलो श्वेता, सादियान, आप लोग भी आंसर दो आज, इक्वल्स निखिल आप भी, टू इक्वल्स टू, एकदम परफेक्ट, क्योंकि नाइदर स्मॉलर इक्वल्स नॉर टू इक्वल्स टू, हाँ इक्वल्स टू। हैश का क्या आएगा? आह
क्या बोलते हैं, इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं, वो नहीं बड़ा है ना हाँ, बराबर, या बड़ा तो है बड़ा है या तो बराबर है, क्योंकि उधर उससे बड़ा आइदर वाला। लिखा है, हाँ आइदर लिखा है, या वो तो बड़ा या तो बराबर, तो ये आ जाएगा उसका। फिर इक्वल टू, हाँ वो परसेंटेज मतलब क्या? परसेंट लेस लेस देन, देन उधर लिखा है, क्लियरली लिखा है कि सर एक्स जो है वाई लेस से लेस है, एक्स जो है वो वाई से लेस है, वहां पे ऐसा क्लियरली लिखा है, तो फिर ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा? नाइदर लेस नॉर इक्वल्स टू मतलब क्या? देन ग्रेटर, कि सर छोटा ग्रेटर भी नहीं होना चाहिए और बराबर भी नहीं होना चाहिए, तो एक ही चीज बचा बराबर, और एक ही अब इसमें सिंबल बचा जो कि लिखने के लिए रह गया, वो है लेस देन और इक्वल्स टू। तो सबसे पहली चीज कि जब भी आप ये वाला कोडेड इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे, तो ये आप कितने जल्दी अपने बुक में लिख रहे हैं, ये आपको लिखना थोड़ा सा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि तो आप चीजों को देख कर तो आंसर नहीं बता पाओगे डायरेक्टली। अब अगर मैं इसका क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अगर मैं अब इसका क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? ए परसेंटेज बी। चलो अब आप लोग थोड़ा सा टाइम लेकर इसका आंसर दोगे, ये इनइक्वालिटी का लास्ट पार्ट है, वरना बाकी सब तो आप लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अब चलो अब ये तीन आंसर आपको निकालने हैं, बिना चीजों को लिखे आप आंसर निकालने की कोशिश करो। हाँ चीजों को देखकर आई थिंक आपको इतना तो समझ जाएगा कि परसेंटेज का मतलब है कि बी को डी के पास जाना है, एंड का मतलब है ए को ई के पास जाना है विद इक्वल टू साइन, और फिर से एंड का मतलब है कि डी को एफ के पास जाना है विद इक्वल टू साइन। चलो आई थिंक तीन कंक्लूजन है, राइट राइट रॉन्ग जो भी आपका आंसर है वो बता दो, जो भी आंसर है निकाल लो जरा। एंड का साइन है, क्या बोल रहे हो? अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने डॉलर का लिख, हाँ मैंने डॉलर का लिख दिया गलती से, हाँ वो लेस का साइन है, वो ऐसा आएगा, ई को ए के पास जाना है और एफ को डी के पास जाना है, सॉरी मैंने वो डॉलर कंफ्यूज हो गया मैं, कोई नहीं लिखो लिखो अभी इसका आंसर निकालो। चलो फर्स्ट वाले का मिला राइट है कि रॉन्ग है? बी रॉन्ग को डी के पास जाना है, तो बी चला गया किसके पास जाएगा? हाँ बी ए के पास जाएगा, ए डी के पास जाएगा, चलो देखते हैं। तो बी ए के पास जा पा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। ए डी के पास जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो आई थिंक ये राइट आ जाएगा ना, ओके राइट है बोल दो, सॉरी है ना, बी ए के पास पहुंच जा रहा है, ए डी के पास पहुंच जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो इस तरीके का सिंबल है, तो बी से ए भी जाएगा, ए से डी भी जाएगा, ठीक है, क्लियर है एकदम? देखो एग्जाम में आप ये लिख नहीं पाओगे, एग्जाम में आप ऐसे सिंबल दिखा नहीं पाओगे,
चलो सेकंड वाला बताओ, रॉन्ग ई टू ए जाना रॉन्ग है। है चलो चेक करते हैं, तो ई टू मैं किसके पास जाऊंगा ताकि मैं ए तक पहुंच जाऊं, ई को डी के पास कैसे पहुंचाऊं। हाँ ई पहले सी के पास जाएगा, सी जो है बी के पास जाएगा, बी जो है ए के पास जाएगा और ए जो है डी के पास जाएगा। थोड़ा सा लंबा जर्नी हो गया मेरा, तो पहले तो ई सी के पास पहुंच जाएगा क्या? हाँ पहुंच जाएगा। सी बी के पास पहुंच जाएगा क्या? हाँ पहुंच जाएगा। बी ए के पास पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। और ए डी के पास पहुंच जाएगा? ये राइट है आपका। क्या आप लोग नहीं। अभी भी रॉन्ग बोल रहे हो? चेक कर लो जरा ध्यान से, आराम से चेक करो। अब पूछ लो मुझे, इसमें जो ठीक डाउट है वो पूछ लो पहले। के पास ना ये आएगा, और एक लास्ट वाला, अब ये लास्ट वाला राइट बताना डी डी क्या ए के पास नहीं जा रहा ना वो लास्ट जा रहा है ना। देखो ना, बी ए के पास जा तो रहा है, मुंह खुला तो है। में। नहीं अच्छा डी, अरे हाँ सॉरी सॉरी, डी डी अच्छा नहीं जा हाँ रहा ना सर। नहीं, डी को थोड़ी ना जाना है, ए को जाना। अच्छा, सॉरी सॉरी। अच्छा ये वाला मुझे जरूरत ही नहीं है, लास्ट का जरूरत नहीं है, यहीं तक था। ई को ए के पास जा रहा था ना, तो ई सी के पास गया, सी बी के पास गया, बी ए के पास गया, ए के पास पहुंच गया ना वो। ये लास्ट की जरूरत नहीं थी मुझे, मुझे डी के पास थोड़ी ना पहुंचना है, मुझे ए के पास पहुंचना है ना। तो ई टू सी चला गया मैं, सी टू बी चला गया मैं, बी टू ए चला गया, ए के पास मैं पहुंच गया, यहाँ पे खत्म बात। ठीक है, वो तो डी सेकंड वाला डी है ना, डी नहीं है, ए सेकंड वाला परसेंट डी एंड सी के डी। बाद डी है। अच्छा ये वाला बोल रहे हो, ये डी है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, अभी मैंने बी लिख दिया है तो बी के हिसाब से आंसर दो, फिलहाल बी के हिसाब से आंसर दो, अभी उसका कुछ नहीं कर सकते, जाने दो। लेकिन वो रॉन्ग रॉन्ग है ना सर। हाँ मैंने क्वेश्चन रॉन्ग लिखा है, बट अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा होता जैसा मैंने अभी लिखा है तो उसके हिसाब से तो ये दोनों फॉलो हो रहे हैं ना, ये राइट है। हाँ है ना। मतलब जैसा मैंने फिलहाल क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से तो ये दोनों फॉलो हो रहा है। और अगर मैं लास्ट वाली की बात करूं कि एफ को जाना है डी के पास, तो कैसे जाओगे? तो एफ टू ई जाओगे, तो ई टू सी, सी टू सी बी, टू बी बी टू ए और टू ए ए टू डी। आ रहे सर। तो एफ टू बी जा रहा है, सॉरी एफ टू ई भी जा रहा है, ई टू सी भी जा रहा है, सी टू बी भी जा रहा है, बी टू ए भी जा रहा है, ए टू डी भी जा रहा है, ये भी पास हो रहा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा वो अलग लिख दिया, बट उसके हिसाब से जो भी है मैंने लिखा है उसके हिसाब से तीनों भी पॉसिबल है इस फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है चलो, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन मैं एकदम राइट लिखूंगा, डोंट वरी। क्यू एट द रेट क्यू एंड पी, वाई स्टार यू, डी परसेंटेज पी एंड वाई हैश डी। चलो ठीक है, अब आपको इन्होंने पूछा क्या है? यू स्टार डी पूछा है, डी डॉलर यू पूछा है और डी एंड यू पूछा है। चलो अब ये तीन का आंसर देना है आपको, निकाल लो पहले तो।
चलो तीनों का आंसर निकालो आराम से। अगर मैं वो सिंबल ऊपर लिख दूँ ना तो आई थिंक वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा और एग्जाम में एक्चुअली आप वो कर नहीं पाओगे, तो इसीलिए मैं फिलहाल सिंबल लिखूंगा नहीं क्वेश्चन में, और आप लोग को भी बोलूंगा कि डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो फर्स्ट वाला राइट है क्या? यू टू डी जा रहा है, रॉन्ग रॉन्ग है। रॉन्ग चलो सर। ठीक है चेक कर लेते हैं। तो यू टू डी के लिए पहले यू टू वाई, वाई टू डी। चलो यू टू वाई भी पास हो रहा है, वाई टू डी भी जा रहा है। स्टार एक्चुअली ये है, और ये क्या है आपका? हाँ, तो दोनों में इक्वल्स टू होना चाहिए था जो कि एक्चुअली नहीं है, इसलिए फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करो जिसमें आपको पूछा है कि यू टू डी जाना है विथ इक्वल्स टू, तो यू टू डी में जा रहा हूँ क्या विथ इक्वल्स टू? राइट है सर। नहीं जा रहे सर। जा रहा है ना, यू टू वाई जा रहा है इक्वल्स टू राइट है, है सर। तो वाई टू डी जा रहा है इक्वल्स टू है, दैट मीन्स ये वाला राइट आ सर जाएगा ना, है ना? यू टू वाई जा रहा है इक्वल्स टू के साइन के साथ में, वाई टू डी जा रहा है इक्वल्स टू के साइन के साथ में, मतलब ये राइट है एकदम, है ना? और अगर मैंने डी टू यू पूछा तो पहले आपको डी टू वाई आना पड़ेगा, फिर वाई टू यू जाना पड़ेगा। तो क्या मैं डी टू वाई आ पा रहा हूं? नहीं नहीं आ पा रहा हूँ, डी टू नहीं वाई आ ही नहीं पा रहा हूं, तो रॉन्ग ये बात खत्म नहीं है, ये आपका यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सबको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि ये हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी अगर करेंगे एग्जाम में तो आपको अप्रोच कैसे यूज करना है, कि आपको पहली बार तो लिखना नहीं है चीजों को और सॉल्व करना है। चलो मैं इसको जरा एंड करता हूँ, मैं दूसरा वाला आपको भेजता हूँ, और आप लोग अब एक काम करो, क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स ये दो सॉल्व करो जरा, क्वेश्चन नंबर फाइव और सिक्स सॉल्व करो, मैं दूसरा वाला जरा बना के भेजता हूँ आपको। जैसे कि जो भी सिंबल है आप उसको पहले बात तो लिख लो, जैसे कि इस क्वेश्चन में डॉलर है, कॉपीराइट है, हैश है, एट द रेट है और स्टार है। तो पहले जितना जल्दी हो सके इनके रूल ये लिख लो। स्मॉलर है तो ये आपका स्मॉलर आ जाएगा, स्मॉलर आ जाएगा। फिर ये क्या है आपका? ग्रेटर होना चाहिए, सॉरी स्मॉलर कहा है ना मैंने, ये ग्रेटर क्यों लिख दिया, स्मॉलर है, फिर ग्रेटर है, फिर और क्या आएगा? इज इक्वल्स टू है, फिर इज आइदर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, और एक ही सिंबल बचा स्मॉलर देन और इक्वल्स टू। तो पांच सिंबल पहले फटाफट लिख लो जो कि बटरफ्लाई मेथड में भी आपको लिखना होगा, और फिर जस्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ठीक है ना? वो आपके ऊपर है कि आप कैसा मेथड यूज करते हो, क्योंकि तो मैं खुद कभी बटरफ्लाई मेथड यूज नहीं करता हूं, तो मैं खुद अप्लाई नहीं करता वो चीज। और जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप आई थिंक आपको ऐसे दिया है। चलो दोनों क्वेश्चन वैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं। चलो कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है अब आप लोग के ऊपर है, बताओ फटाफट।
चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, दोनों राइट रॉन्ग क्या है? बी कॉपीराइट का मतलब फर्स्ट वाला पहला को ऐसे राइट। जाना है, और इसका मतलब है जेड को ऐसे जाना है, ठीक है? हाँ क्या बोल रहे, पहला वाला राइट है? राइट है। चलो बी टू ई जाना है, मतलब बी टू सी, सी टू डी, डी टू एक्स, एक्स टू ई, पक्का राइट है? आई थिंक परफेक्ट है, फर्स्ट वाला आपका राइट आ जाएगा क्योंकि वो पास भी हो रहा है, पास इजीली हो जा रहा है। सेकंड वाला जेड टू बी विथ इक्वल्स टू रॉन्ग है। रॉन्ग है पक्का? रॉन्ग तो है। जेड टू बी जाना है तो जेड टू डी जाना पड़ेगा, डी टू सी और सी टू बी। सो आई थिंक ये वाला जो है जेड टू डी ही पास नहीं हो रहा है, तो बात यहाँ पे खत्म हो गई ना, जेड टू डी ही पास नहीं हो रहा है, बात यहाँ पे खत्म हो गई। ओके अब इसका फर्स्ट वन राइट है क्या? फर्स्ट राइट है। सब में एक्चुअली कॉपी राइट है, सब में कॉपी राइट है। सी टू ए पास होना है मुझे, सॉरी सी टू ए पास नहीं होना है, ए टू सी पास होना है मुझे, तो ए टू सी आई थिंक इजीली हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला राइट है, ये सब कॉपी राइट ही है। और ये आपको होना है बी को डी के पास जाना है, तो बी डी के पास जाएगा क्या? बी टू सी, सी टू, ये ऐसे उल्टा नहीं आएगा ना, यहाँ से नहीं आएगा, इसीलिए ये रॉन्ग है, ठीक है? इसीलिए क्या आ जाएगा आपका, रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है? तो आप लोग ये समझ गए हो कि अभी कैसे करना है? ओके तो चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते, थोड़ा सा फिफ्थ वाला, सॉरी सिक्स वाला और सेवेंथ वाला, ये दो क्वेश्चन और करते हैं। मैं इसका भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ सादिया को। चलो दो क्वेश्चन और करेंगे क्विकली। सादिया समझ में आ रहा है आपको? इनइक्वालिटी है, एकदम नॉर्मल सा इनइक्वालिटी है, बस इसमें आपको क्या करना है कि बस इसमें आपको क्या करना है कि चीजें आपको डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, इनडायरेक्टली दी जाएगी। क्या बोल रहे हो? यस सर, ओके चलो ठीक है, करना इनइक्वालिटी है, बस इसमें डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा चीजों को, इनडायरेक्टली दिया जाएगा। और अपने पास एग्जाम में टाइम होता नहीं है कि हम लोग सारे सिम्बॉल जो है लिख पाए, तो बस आपको थोड़ा सा देखते हुए जो है आंसर निकालना पड़ता है। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा मैं बोल रहा हूँ, सिक्स वन एंड सेवेंथ वन। तो पहले सिक्स और सेवेंथ का पहले बात तो सिंबल फटाफट जरा बना लेते हैं कि हैश है सर, एट द रेट है, डॉलर है, स्टार है और एंड है, पांच ही हमेशा होते हैं, अक्सर पांच ही होते हैं। और हैश का मतलब है नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर देन आएगा, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स टू, स्मॉलर आएगा। एंड का मतलब है नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर का मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है, नॉट ग्रेटर का मतलब ये। और एक ही सिंबल बच गया, वो आएगा आपका इक्वल्स टू वाला। चलो अगर मैं फटाफट क्वेश्चन लिख दूं तो फिर ओके आई थिंक चार क्वेश्चन दिया है आपको, थोड़ा सा केयरफुल रहना है चारों में से कौन सा राइट है। और सेकंड वाला आपको ये दिया है, ठीक है?
चलो आई थिंक दोनों क्वेश्चन के दोनों डेटा हो गए, इसमें चार चार कंक्लूजन है। अब कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है थोड़ा सा देखकर बताना आराम से, ठीक है? आपको सिर्फ देखना है, देखकर आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम के पास एग्जाम में अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, तो जैसे एग्जाम में चीजें होने वाली है आप वैसे ही करो। मैंने सही लिखा नहीं? चलो अब अगर मैं पूछूं कि आंसर क्या आ रहा है, जरा आंसर बताना आप मुझे। अच्छा, पहला पहला राइट है सर, दूसरा वाला, बाकी तीनों रॉन्ग है। बाकी तीनों रॉन्ग है। सादिया, निखिल और श्वेता, आप लोगों का भी आंसर यही आया क्या? पहला राइट, बाकी तीनों रॉन्ग, पक्का? सादिया नहीं आपका और निखिल आपका क्या आंसर आ रहा है? लास्ट वाला बराबर है। लास्ट वाला बराबर आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं फिर। तो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये आपका इक्वल्स टू है, और ये आपका इस तरीके से। और लास्ट वाले मुझे स्टार पूछा, स्टार का मतलब डी जो है, सॉरी बी जो है वो डी के पास जाना चाहिए विथ इक्वल्स टू। तो बी मेरा यहाँ पर है और डी मेरे दो जगह पर है, तो बी टू सी जाएगा और सी टू डी जाएगा। तो बी टू सी पास हो रहा है क्या? वो क्या बी टू सी पास हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, इसलिए रॉन्ग आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा ये। ठीक है, देखो सिंबल सामने दिख गए मुझे तो अब इजी लग रहा है वो, पर वही चीजें थोड़ा सा अगर मैं उसको माइंड में करने की कोशिश करूँ, सोच सोच के आंसर निकालने की कोशिश करूँ, तो अच्छा ये दिमाग में डायरेक्टली मतलब ये दिख नहीं रहा है ना मुझे, ये मुझे यहाँ पर देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको जरूर इसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन्स एग्जाम में अगर इनइक्वालिटी आया तो यही आता है, या फिर आरबीआई के ग्रेड बी में या एसबीआई के पीओ वाले प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो और लास्ट वाले की बात करूं मैं, तो सेकंड वाले का क्या आंसर आ रहा है? पहला रॉन्ग है सर, बाकी पहला तीनों रॉन्ग, राइट है। बाकी तीनों राइट है। हाँ अच्छा चलो, सादिया, निखिल, श्वेता, आप लोग का क्या आंसर आ रहा है? पहला रॉन्ग, सेकंड राइट और आगे पहले आगे का? कर रही हूँ अच्छा अच्छा ओके, कर यार। लो कर लो। देखो आप लोगों को ये मतलब ये समझ में आ गया कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, बट स्पीड बढ़ाना अभी भी बहुत बड़ा टास्क है, खास करके जो बैंकिंग वाले, वो जो रेलवे वाले, उनको ये आई थिंक और करने की जरूरत नहीं, और प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, इनफ रहेगा उनके लिए। पर जो बैंकिंग वाले हैं
और सीटी वाले भी जो है, सादिया भी जो है, आई थिंक थोड़ा सा इसको उनको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी है, क्योंकि सीटी में भी आता है। बट रेलवे वालों को छोड़ दूं मैं, तो बाकी बैंकिंग और सीटी को ये प्रैक्टिस अच्छे से करने की जरूरत है, ताकि इसके एक एक क्वेश्चन जो है वो एक एक मिनट के अंदर हो जाए, एटलीस्ट 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर हो जाए।